ऐसा लग रहा है किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आ गए। झरने के बीच से जाना पड़ेगा, ठीक है? आगे रास्ता है जंगलों के बीच से। पॉल्यूशन, नो एक्सटर्नल पेन हैपन, ओनली दिस सर। Happy birthday to you. Happy birthday. ओके ऑल राइट गाइस, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग फॉर ए राइड एंड पहले फ्यूल अप कर लेते हैं। 97.72 स्टार्ट होते होते ख़त्म। वेल गाइस, आज का राइड बहुत ही छोटा राइड होने वाला है क्योंकि आफ्टर 12 डेज वी आर गोइंग फॉर ए राइड एंड उसका रीज़न था, एज यू ऑल नो, आई हैड एन एक्सीडेंट जिसके वजह से मैं इतना बात नहीं कर सकता था, स्टिचेस लगा था मेरे चिन पे, सो उसके वजह से थोड़ा रेस्ट पे था और मैं डॉक्टर के पास भी जा रहा था क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा था मुझे। सो और एक रीज़न था, बहुत धूप, मतलब इतना गर्मी था इन दिनों, तो इसके वजह से भी मैंने मतलब अंदर से वो फील नहीं आता था राइड के लिए इतना गर्मी में। तो आज का वेदर क्या बोले, सुबह तो बहुत ही धूप था और आज 2 अक्टूबर है तो थोड़ा सोशल वर्क भी हम लोगों ने किए थे मॉर्निंग को, उसके बाद डिसाइड हुआ एक छोटा सा राइड के लिए एंड अभी मतलब राइड पे निकलने का वक्त था सुबह को 10 बजे और अभी हो रहा है शायद 1। सो इतना देर से हम लोग निकले उसका एक ही वजह था, बहुत बारिश था सुबह से 10 बजे से और अभी जाके थोड़ा बारिश हल्का हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही मॉडरेट वेदर है अभी एंड बूंदाबांदी चल रहा है। और एक प्रॉब्लम है कि अभी मेरे एक्शन कैमरे का जो वाटरप्रूफ कवर है वो मैंने नहीं लाया, सो अभी थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा क्या करते हैं। सो नहीं तो अभी एक्शन कैमरा डायरेक्ट बैग में डालना पड़ेगा क्योंकि बारिश गिर रहा है। तो अभी का अपडेट ये है कि बापन भाई आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर रहे एंड अभी बारिश नहीं है लेकिन वेदर बहुत ही मस्त होके रखा है। मतलब ऐसा वेदर होने से ना राइड करके मजा ही आ जाता है, ना ही धूप है ना ही बारिश है, मतलब एकदम मॉडरेट वेदर। और इस साइड का थोड़ा सीन देखो, मतलब कितना नेचुरल ग्रीन है। अपन भाई को सरप्राइज देने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा केक लिया है क्योंकि यहाँ पर कोई बेकरी नहीं था, तो एक छोटा सा केक लिए अपन भाई से, वो वाला केक कटिंग करेंगे। सो इट्स जस्ट ए फन ना, अच्छा लगेगा। एंड छोटा कैंडल नहीं, बड़ा वाला कैंडल ही हम लोग ले लिया है, केक से ज्यादा बड़ा तो कैंडल ही लगेगा, कोई बात नहीं, जस्ट फॉर फन अच्छा लगेगा हम सबको। एंड गाइस, आगे का जो व्यू है ना, पूरा जो वो हिल है ना पूरा ब्लू कलर में दिख रहा है। आई नो एक्शन कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इस व्यू को, लेकिन पूरा ब्लू कलर है। एंड आज का जो डेस्टिनेशन होने वाला है हम लोगों का एक हिडन प्लेस है, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं इस प्लेस के बारे में। मैं आगे पहले कभी नहीं गया इस जगह पे, सो मेरा भी आज फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है एंड आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा है ये वाला जगह। अभी जाके देखते हैं क्योंकि मुझे तो एक्चुअली मुझे लोकेशन पता नहीं है, नीलांजित को पता है, सो आगे वो हमको लीड कर रहे हैं। टोटली ऑफबीट जगह है, आई डोंट थिंक यहाँ पर ज़्यादा लोग आए होंगे इस वाले जगह पे। ऐसे ही हम लोग आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा ऐसा सुंदर सुंदर नेचुरल प्लेस ढूंढ के लाते हैं। सो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। एंड आज का लाइक एम रखते हैं 50, ओके, सो 50 लाइक्स करवा देना। और क्या ही लोकेशन है, एकदम नेचर के अंदर, क्या ही लोकेशन, वाव, ऑसम ऑसम, ऐसा लग रहा है किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आ गए। पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ से जा रहे हैं लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, मतलब एक एडवेंचर वाला फील आ रहा है क्या नहीं। सो ओके गाइस, यहाँ से अभी हम लोग को ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आगे हम लोग अभी नहीं जा सकते हैं बाइक लेके, सो लेट्स गो। तो अभी क्या रिवर क्रॉस करना पड़ेगा।
अभी हम लोगों को और थोड़ा सा ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा उधर, एंड थोड़ा यहाँ पर रुके हैं। बापन भाई फिर से वापस गए हैं बाइक की ओर, क्योंकि हम लोग जो खाने का चीज़ लाए थे वो बाइक पे ही छोड़ के आ गए, मेरे बाइक पे। सो बापन भाई के लिए थोड़ा वेट करते हैं एंड फिर निकलते हैं हम लोग के ट्रैकिंग की ओर। और क्या नज़ारा है, मतलब पॉल्यूशन, नो एक्सटर्नल पेन हैपन, ओनली नेचर, ओनली नेचर। ओ भाई क्या सुंदर लग रहा है। तो आज के हम लोग का गाइड निवान जी, अभी इधर से झरने के बीच से जाना पड़ेगा, ठीक है। ओ माय गॉड, क्यों एडवेंचर, संभाल के संभाल के। और ऊपर जाना है क्या? इससे पहले इतना अच्छा एडवेंचर मैंने अपने पूरे लाइफ में नहीं किया था। आगे रास्ता है जंगलों के बीच से। वाह, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ये वाला एडवेंचर। फिर हम लोग उधर से आए हैं अभी और ऐसे करके ऊपर जाना है। अगर रास्ता बंद है शायद, पहुँच गए क्या? पहुँच गए, ऐसा कुछ सीन है। हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग के डेस्टिनेशन पे ट्रैक करते करते पहुँच गए हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोग बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही खतरनाक वाला ट्रैकिंग करके अभी इस जगह पे आके पहुँचे हैं। तो इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं, जाने का ट्राई भी नहीं करेंगे, क्योंकि आगे का रास्ता इतना ठीक नहीं है। और आगे से यहाँ से जो मतलब वाटरफॉल है, यहाँ से शायद स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है वाटरफॉल का। एंड नज़ारा बहुत ही सुंदर है, एंड यहाँ से मतलब पूरा ट्रैकिंग करते करते हम लोग नीचे से आए हैं। एंड अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, एंड जो हम लोग खाना पीना लाए थे इधर है, हम लोग का खाना पीना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। सो ब्लॉग देखते रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो गाइस, हम लोग ना जो खाना लाए थे वो कंप्लीट है, इधर फोटोशूट चल रहा है, और अभी मतलब बापन को एक सरप्राइज देंगे, उसको पता नहीं है वो ऊपर है। दिस गोइंग टू बी वेरी टफ, हम लोग जब नीचे उतरेंगे इधर से एंड जाएंगे, मतलब दिस गोइंग टू बी वेरी टफ। उतरो उतरो, हाँ पकड़ना मत, पकड़ना मत उसको। उतरो, कैसे उतरोगे, उतरो। देखा, चढ़ना इजी है, उतरना उतना ही मुश्किल। बापन भाई देखो क्या चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूजा की तैयारी चल रहा है, पर पूजा की तैयारी चल रहा है। सो गाइस, ये है केक जो बापन भाई काटेंगे अभी, उसको पता ही नहीं उसको केक काटेंगे अभी, मतलब पूजा वो बोल रहे पूजा होगा। प्रसाद प्रसाद चला देते हैं, प्रसाद। बापन भाई का बर्थडे, बापन ने बर्थडे आजकल। ओ भाई, मुझे तो एकदम उल्लू बना रहा था मिलन ने, भाई ने। बापन भाई को पता, बापन भाई को लग रहा था कोई पूजा कर रही है। बापन भाई ने आके प्रणाम भी कर चुके हैं। तो पहले कैंडल बुझाना पड़ता है, कैंडल तो बुझाना पड़ेगा। हाँ, कैंडल को बुझाओ। सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर जगह में आज सरप्राइज मिलेगा। एक्चुअली हम लोगों को बेकार ही नहीं मिला, इसलिए क्या करे, आइडिया आया, एक छोटा सा केक ही लेके जाते हैं। केक छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, मन बनाना। वही वही वही, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
हैप्पी बर्थडे टू बापन ब्लॉग्स, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ओके गाइस, केक कटिंग हो चुका है कंप्लीट एंड जाने का मन नहीं है इस जगह से, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक नेचुरल प्लेस है एंड आई डोंट नो मतलब कोकराझार के किसी को इस जगह के बारे में इतना पता होगा। बहुत ही एकदम ऑफबीट वाला जगह है और बहुत ही मतलब एडवेंचर वाला जगह है, बहुत ही एडवेंचर करके आना पड़ता है इस जगह पे। तो जो भी हो बहुत ही सुंदर जगह है, अच्छा लगा आके एंड अभी मेन टास्क रहेगा यहाँ से नीचे उतर के फिर से ट्रैकिंग करके हम लोगों का जहाँ पर बाइक पार्क है वहाँ पर जाना। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। ओके सो लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस फिर से ट्रैकिंग स्टार्ट। गाइड को आगे जाने दो, गाइड को। कुछ पत्थर बहुत स्लिपी है, पैर जन से बहुत स्लिप होता है। तो निकल चुके हैं उस जगह से एंड अभी और थोड़ा बहुत ट्रैकिंग करना पड़ेगा हम लोगों को। अगर आप नेचर लवर हो ना, ये सब जगह आपके लिए है। तो इतना शांति है यहाँ पर और नीचे मुझे छोटा छोटा मछली भी दिखाई दे रहा है। अभी भी 1 किलोमीटर जैसा दूर है हम लोगों का बाइक। मैं अपने साथ ड्रोन भी लाया था लेकिन अच्छा जगह नहीं मिला, सो ड्रोन शॉट का प्रोग्राम जो था वो कैंसिल हो गया। सो हम लोग वहाँ पर ट्रैकिंग करते करते गए, जो वाटरफॉल पर हम लोग गए थे वो वहाँ पर था और इधर से हम लोग वाटरफॉल के थ्रू ट्रैकिंग करते करते इधर आए हैं एंड हम लोग का बाइक उधर कहीं पे हम लोग पार्क करके रखे। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं जहाँ से हम लोग अपना ट्रैकिंग स्टार्ट किए थे। सो इधर है, ये रहा हम लोग का बाइक्स, यहाँ पर हम लोग पार्क करके गए थे। सो ओके गाइस, इट्स टाइम टू गो होम एंड आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड मैं ट्राई करूंगा अभी से कंटिन्यू ब्लॉग लाने के लिए। मैं थोड़ा बीमार था इन दिनों। अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ड्रीम हाई एंड मेक इट ट्रू। बाय बाय।